नहीं होती है। आप कितना भी साधना करो अपने आप से, ये ईगो पहले निकालो। बहुत शास्त्र पढ़ने से भी बुद्धि तुम्हारी उलझ जाती है, पर अहंकार बढ़ता है। उधर तो मैंने ये पढ़ा था, उधर तो मैंने ये जाना था, उधर तो मैंने ऐसा किया था। माना अहंकार, जितना तुमने पढ़ा सुना क्या भी किया, जितना सुना जितना विज्ञान है, पर अहंकार जरूर सूखे में है। तो ये नहीं पढ़ी है, मैं देखो क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, मैं पढ़ी हूँ तब, देखो कितना ईगो है। तो मैं पढ़ी हूँ तभी जवाब देती हूँ। तो एक बात समझना, दूसरे अध्याय में गीता में जो आत्मअनुभव से बात करता है उसको और कुछ पढ़ने का नहीं है, देखने का भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र है पीछे हुआ। जब पैगंबर आया, गीता हुई, पैगंबर आया तो ग्रंथ हुआ, वेद हुआ, ऋषि आया चार, तो वे कैसे जवाब देगा? जड़ पुस्तक, तुमने जड़ पुस्तक पढ़ के अपनी बुद्धि भी जड़ बना दिया कि मैं भी जवाब दूँ, तू भी जवाब दे। मैं अनुभव से देगा, तू शास्त्र से देगा, बात नहीं, बिल्कुल फेल। क्योंकि जड़ बुद्धि वाला तेरे को सुनेगा, पर आत्म बुद्धि वाला तेरे को नहीं सुनेगा। जिसको आत्मनिष्ठा है उसको आत्मनिष्ठा ही चाहिए, उसको नहीं ये शास्त्र का ज्ञान चाहिए। शास्त्र के ज्ञान में बुद्धि और तेज होगी, तू कभी भी किसी से आर्ग्यू करेगा, तू बोलता है आत्मा के ज्ञान में आर्ग्यू नहीं करने का है, तर्क वितर्क नहीं करने का है, आर्ग्यू नहीं करने का है, बहस नहीं करने का है। जो भी तुम्हारे से बहस करे उसको निकाल दियो, अद्वैत सिद्ध न होगा। वो ब्रह्म ज्ञानी मौन में रहता है, शांत में रहता है, श्रद्धा से वो बात करता है, तो किसकी आर्ग्यू कैसे सुनेगा? उसको आर्ग्यू सुनने नहीं आती। तो बहुत शास्त्र पढ़ने से बुद्धि तुम्हारी और अहंकारी बन जाएगी, आए नोत नहीं जाएगी। ये बात समझो, जितना हम पढ़ेंगे याद तो होगा ना, इधर गांठे तो होगी ना, वो सुना तो होगा ना, वो शब्द तो होगा ना, वो शब्द की लहर चलती आएगी। तो सब शब्द है बेमाना, सब शब्द